रावण को दावतनामा नहीं भेजा और दोनों ही बैठक से वो नदारद रहे। अब जो महाराष्ट्र में बैठक होनी है मुंबई, क्या उस बैठक में चंद्रशेखर रावण को बुलाया जाएगा और क्या मायावती इस पर चिंतन मंथन करने पर मजबूर होगी? क्योंकि अगर मायावती फिर से एक बार 2024 में दर्जन भर सीट भी अगर जीतना चाहती है तो चंद्रशेखर का साथ उन्हें लेना ही पड़ेगा। वक्त उनके प्रदर्शन का सिर्फ एक ही एजेंडा नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर CBI जांच के आदेश दिए जाए। यहां पर मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर भी ये समर्थक बोलते हुए नजर आए, साल 2024 के चुनाव को लेकर भी बोलते नजर आए, और सबसे बड़ी बात कि किस तरह से विपक्षी दल कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को लगातार दरकिनार करने की कोशिश करते हुए नजर आए। यूं भरे कि एक सीट पे भी जो है उनका पत्ता सिमटता नजर आया। इससे ये समझ में आ गया कि मायावती जो थी वो अब नहीं है और दलितों के चेहरा के तौर पर भी जो थी वो अब नहीं है। संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद बीते कुछ दिनों से चर्चा का विषय बने हुए हैं। मालूम हो कि 28 जून के दिन चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ और इस हमले के बाद से चंद्रशेखर आजाद डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं। मांग यहां पर लगातार की जा रही है कि जेट प्लस सुरक्षा उन्हें दी जानी चाहिए। ऐसे में देखा जाए तो अब चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुके हैं और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर उनका प्रचंड प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि आज 21 जुलाई के दिन एक प्रदर्शन देखने को मिला है भीम आर्मी की तरफ से, और ऐसे में देखा जाए तो यहां पर डंके की चोट पर बात रखी गई है इस पूरे ही दल की तरफ से, और ऐसे में यहां पर एक बार फिर से कयासों का दौर शुरू हो चुका है। क्या बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती उनके साथ उतरती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि मायावती ने अब तक चंद्रशेखर आजाद पर जो जानलेवा हमला हुआ है उस पर कुछ नहीं कहा है, अब तक उन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी है। तो बार बार यहां पर यही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या मायावती इस मामले में अपनी बात रखती हुई देखी जाएंगी? क्या यहां पर आजाद समाज पार्टी के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी नजर आएगी? क्योंकि बार बार चंद्रशेखर आजाद यही कह रहे हैं कि वह मेरी मां के समान है और कभी ना कभी कोई ना कोई पल तो ऐसा आएगा जब वह कहेंगी कि चंद्रशेखर आजाद उनके बेटे हैं, वह आशीर्वाद देंगी और कहेंगी कि यही पार्टी संभालेंगी। इसी बीच देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद ने अपने आंदोलन को लेकर यह साफ कर दिया है कि उनकी तरफ से तमाम राजनीतिक दलों को न्योता भेजा गया है और उनका कहना साफ तौर पर यह रहा है कि एक खास न्योता मायावती को भी भेजा गया है, और उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि बहन जी को आना चाहिए और मैंने बहुत ही स्पेशल तरीके से अपनी पूरी टीम को बताया है कि मायावती को निमंत्रण जरूर भेजा जाना चाहिए। ऐसे में देखा जाए आज 21 जुलाई के दिन जो 2015 में भीम आर्मी की स्थापना हुई थी, इस स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन देखने को मिला और इस प्रदर्शन में शामिल होते हुए नजर आए हैं तमाम राजनीतिक दल, जैसे कि रालोद से राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी शामिल हुए, तो वहीं समाजवादी पार्टी के भी कई दिग्गज नेता शामिल होते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में यहां पर जब सवाल पूछे गए हैं क्या मायावती उनके साथ दिखाई देंगी, आपको जानकारी दे दें कि जब हमारी सहयोगी प्रज्ञा यहां पर पहुंची तो प्रज्ञा ने यहां पर तमाम लोगों से सवाल भी पूछे और मायावती को लेकर भी सवाल पूछे गए। तो आखिरकार यहां पर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। चंद्रशेखर आजाद को यहाँ पर समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सवाल ये रहेगा कि कई विपक्षी दलों ने चंद्रशेखर आजाद को समर्थन दिया, यहाँ तक कि सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर उनसे मुलाकात करने भी गए, लेकिन दलितों की मसीहा माने जाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती इस मामले पर अभी तक खामोश है। तो क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद का वर्चस्व जो लगातार तेजी से बढ़ रहा है, उन्हें भीम आर्मी का समर्थन मिल रहा है, क्या इससे मायावती घबराती हुई दिखाई दे रही है? नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बहन जी घबरा नहीं रही है, हमारे भाई। तो फिर उन्होंने कुछ कहा क्यों, अभी तक वो खामोश क्यों है इस मामले? उनकी राजनीति हमेशा शांत राजनीति रही है आज तक का ये उनका, लेकिन कम से कम वो तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रही है। चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर एक ट्वीट तो वो कर सकती थी, मुलाकात तो कर सकती थी, वो कर सकती, वो उनकी अपनी सोच है, हमारे भाई अपने अलग अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन हमारा ना काम कर रहा है बहन जी, हमारी अपना काम कर रहे हैं, वो हमारी आदर्श नेता, हम उनको मानते हैं। यानी कि जो तमाम लोग लगातार
मायावती और चंद्रशेखर आजाद के बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है ये खाई वो पैदा कर पाएंगे, क्योंकि लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि मायावती खामोश। कोई खाई नहीं है, बहन कुमारी मायावती जी राजनीति करते हैं और भाई हमारा बहुजनों का आगे बढ़ के, यानी कि साल 2024 में मायावती जी और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद एक साथ नजर आएंगे, क्योंकि अभी तक नजर नहीं आए। मायावती जी बताएंगे, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी बताएंगे, जैसा हमें निर्देश मिलेगा वैसा हम लोग पालन करेंगे। वो राजनीति करते हैं, हमारे भाई बहुजनों का आंदोलन करते हैं, बहन बेटियों के न्याय के लिए आगे आते हैं। आज अगर मांगे जो आपकी हैं उन पर अगर आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर मायावती को लेकर आजाद समाज पार्टी लगातार अपनी बात रख रही है और बार बार यही पहल की जा रही है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी इस दल के साथ उतर आए। यहाँ पर न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से जानना चाहेंगे क्या कहीं ना कहीं यहाँ पर दलित समुदाय को और भी मजबूत बनाने के लिए एक बड़ी पहल अब मायावती की तरफ से देखी जा सकती है। क्या वाकई में अब बहुजन समाज पार्टी को अब यहाँ पर आजाद समाज पार्टी से जुड़ जाना चाहिए? सवाल यहाँ पर रहेगा हमारे सहयोगी अब्रार से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। अब्रार, जैसा कि यहां पर बार बार मायावती को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या मायावती की तरफ से अब कोई पहल हमें देखने को मिल सकती है आजाद समाज पार्टी के लिए? बिल्कुल, जो आज जंतर मंतर पर एक जो आप कह सकते हैं बड़ा मोर्चा निकाला गया और चंद्रशेखर रावण ने कहीं ना कहीं जो इस ताकत को दिखाकर सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि मायावती को भी कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की है कि अगर उनको दरकिनार कर उनको तर्क करके अगर मायावती ये सोचती हैं कि उत्तर प्रदेश में तमाम दलित वर्ग उनके साथ आ जाएंगे तो ये उनकी भूल है, क्योंकि इस वक्त एक उभरता हुआ चेहरा है और कहीं ना कहीं जो भारी संख्या में लोग जंतर मंतर पर जुटे थे ये भीड़ जतलाती है कि चंद्रशेखर की पकड़ इस समय दलित वर्ग पर कितनी ज़्यादा मजबूत है, ख़ास तौर पर जब विपक्षी खेमा बैठक कर रहा है, तमाम दलों को एक साथ ला रहा है, तो ऐसे में विपक्ष के लिए भी कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती थी, क्योंकि विपक्ष ने भी चंद्रशेखर रावण को दावतनामा नहीं भेजा और दोनों ही बैठक से वो नदारद रहे। अब जो महाराष्ट्र में बैठक होनी है मुंबई, क्या उस बैठक में चंद्रशेखर रावण को बुलाया जाएगा और क्या मायावती इस पर चिंतन मंथन करने पर मजबूर होगी? क्योंकि अगर मायावती फिर से एक बार 2024 में दर्जन भर सीट भी अगर जीतना चाहती है तो चंद्रशेखर का साथ उन्हें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इस समय समाज जो है एक नए नेता के स्वरूप में जो है चंद्रशेखर रावण को देख रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मायावती के तरफ रुख किया जाए तो दिल्ली तो मायावती भी पहुंची और मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे कर दिया है और आकाश आनंद को लेकर चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि वह तो उनके भाई हैं, मायावती को अपनी माँ कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो बार बार चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर उन्हें मान सम्मान दे रहे हैं लेकिन मायावती की चुप्पी यहाँ पर सवाल खड़े कर रही है। ये राजनीति है ये, और ऐसे में देखा जाए यहाँ पर बाजी पलटती हुई भी देखी जा सकती है। क्या लगता है आपको कि 2024 से पहले मायावती एक बड़ा उलटफेर करती हुई देखी जाएंगी? बार बार कह रही हैं अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन क्या यहां पर बाजी पलटने में कामयाब होंगे चंद्रशेखर आजाद? देखिए, आकाश आनंद की अगर बात करते हैं तो भले ही मायावती के भतीजे होने के नाते उन्हें पार्टी में एक प्रमुखता ज़रूर मिलती है, लेकिन इस समय जो भारत की राजनीति का स्वरूप है वो यह बतलाता है कि अगर आप किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं उसके बावजूद भी ज़मीनी स्तर पर ग्रास रूट पर आपको काम करना पड़ेगा। और इसको आप इस ढंग से समझ लीजिए कि राहुल गांधी जितने बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं उसके बावजूद अब देखिए भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद वो किस ढंग से पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और फिर उसके बाद अब वो राजनीति को कहीं ना कहीं करीब से समझ रहे हैं और लोग जो है वो उनसे जुड़ रहे हैं। तो आकाश आनंद को भले ही पार्टी के भीतर एक बड़ी जो है जिम्मेदारी ज़रूर मिल सकती है लेकिन जनता उन्हें तभी स्वीकारेगी जब वो जनता के बीच जाएंगे, जब चुनाव में जीत करके आएंगे। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं चुनौती इस समय भारत में देखने को मिलती है। तो जो चंद्रशेखर रावण ने एक जो राजनीतिक हैसियत कमाई है बीते 10 वर्षों में, इसके बिना पर अगर देखा जाए तो 24 के चुनाव में मायावती के लिए ये एक बड़ा फेरबदल का कारण बन सकता है।
वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर मायावती के लिए एक बड़ा फेरबदल का कारण तो बनता हुआ नजर ही आएगा, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठते हैं, क्या चंद्रशेखर आजाद जो आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या यहाँ पर उस आंदोलन के चलते वह सफल होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का साफ तौर पर यही कहना रहा है कि ये आंदोलन यहाँ पर नहीं रुकने वाला है, यानी कि ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ 21 जुलाई का नहीं है। सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे प्रज्ञा से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। आखिरकार जब वह राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची तो उन्होंने यहां पर क्या कुछ देगा? जंतर मंतर पर जो हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हुए नजर आए हैं और वहां पर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं, और ऐसे में यहां पर उन्होंने मायावती को लेकर भी अपनी बात रखी है। आपको क्या लगता है कि आजाद का ये जिस तरीके से उन्होंने जो आंदोलन निकाला है, क्या वाकई में अब यहां पर वह सफल होते हुए नजर आएंगे? जिस तरीके से वह लगातार मांग कर रहे हैं, राष्ट्रपति से भी उन्होंने मांग की है, मणिपुर हिंसा को लेकर भी वह मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जंतर मंतर पर इस वक्त जो हालात, ताज़ा जो हालात हैं, और समर्थकों से बातचीत करके साफ तौर पर लगा कि इस वक्त उनके प्रदर्शन का सिर्फ एक ही एजेंडा नहीं है कि चंद्रशेखर आज़ाद पर हुए हमले को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दिए जाए। यहाँ पर मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर भी ये समर्थक बोलते हुए नजर आए, साल 2024 के चुनाव को लेकर भी बोलते नजर आए, और सबसे बड़ी बात कि किस तरह से विपक्षी दल कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद को लगातार दरकिनार करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। मायावती को लेकर जिक्र होता हुआ नजर आया। यहां पर अगर बात करें तो ओम प्रकाश राजभर को लेकर भी जिक्र किया गया, जिसमें साफ तौर पर समर्थकों का कहना यही है कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो अपने आप में पर्याप्त हैं, उन्हें किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। और आज जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ है, उसके बाद जितने भी छोटे मोटे दल हैं वो खुद अब चंद्रशेखर आजाद के पास चलकर आएंगे उन्हें अपना समर्थन। प्रज्ञा, अगर समर्थन की जरूरत नहीं है तो बाकी के राजनीतिक दलों को न्योता भेजने की क्या रणनीति है? आखिरकार मायावती को लेकर बार बार वे यो क्यों कह रहे हैं कि वह उनकी मां के समान है, उनका आशीर्वाद हमेशा ही उनके सर पर बना रहना चाहिए? देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं जिस तरीके से जंतर मंतर पर समर्थकों से बात करके भी कहीं ना कहीं समर्थक भी साफ तौर पर चंद्रशेखर आजाद और मायावती के बीच जो इस वक्त तनातनी है उसे लेकर के कहीं ना कहीं वो इस वक्त काफी ज्यादा कह सकते हैं कि कंफ्यूज है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद के बीच कोई मतभेद नहीं है। फिलहाल इस वक्त स्थिति ऐसी है कि मायावती चाहकर भी चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में कुछ बोल नहीं पा रही है। यहां पर अगर बात करें जिस तरीके से जो तमाम चीजें निकल करके आई है, इसे लेकर साफ तौर पर समर्थकों का भी कहना है कि बहुत जल्द मायावती चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात करने आएंगी, वो उन्हें समर्थन भी देंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लगातार चंद्रशेखर आजाद और मायावती के बीच दरार दिखाने की कोशिश की जा रही है वो भी पूरी तरह से गलत है। दोनों नेता साल 2024 के चुनाव में एक साथ नजर आएंगे। वाकई में यहाँ पर देखा जाए तो अब एक और सवाल खड़ा हो चुका है कि कहीं ना कहीं मायावती अब चंद्रशेखर आज़ाद के साथ नजर आ सकती हैं, लेकिन मायावती साफ तौर पर यही कह रही हैं बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वह कर रही हैं कि वह अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव ही क्यों ना हो। सवाल यहाँ पर रहेगा हमारे सहयोगी आसिफ से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा, क्योंकि महागठबंधन हो चुका है जिसका नाम रखा गया है इंडिया, और 2024 में इंडिया वर्सेज एनडीए देखने को मिलेगा। ऐसे में देखा जाए इंडिया वर्सेज एनडीए तो देखने को मिलेगा, लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर बीएसपी भी है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मायावती अकेले ही अपने दम पर यहां पर चुनाव जीत पाने में कामयाब होती हुई नजर आएंगी, आपको क्या लगता है? जी शुक्रिया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जब यूपी में दलितों के चेहरों में अगर आप नेताओं की लिस्ट निकालेंगे तो चंद्रशेखर से पहले मायावती का ही नाम आता है। लेकिन जिस तरीके से 2014 के बाद से मोदी सरकार आई है और उसके बाद जब खास करके योगी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से उनका पत्ता करता नजर आ गया। उसके बाद उम्मीद की गई कि शायद कुछ अच्छा करेंगी, लेकिन उसके बाद पहले गठबंधन के साथ और फिर उसके बाद अकेली 22 में लड़ी, यूं भरे कि एक सीट पे भी जो है उनका पत्ता सिमटता नजर आया। इसे ये समझ में आ गया कि मायावती जो थी वो अब नहीं है, और दलितों के चेहरा के तौर पर भी जो थी वो अब नहीं है। यही वजह है कि आज दलितों के चेहरा पे आज देखिए सहयोगी सब भी हम लोग की बात करके उनके चाहने वाले लोगों से आ रहे, तो मुझे लग रहा है कि अब मायावती का जगह धीरे धीरे चंद्रशेखर लेते नजर आ रहे। तो इनसे ये उम्मीद करना कि शायद वो टक्कर देंगे, मुझे लग रहा है कि ना इंसाफी होगा।
होगा, उससे ज्यादा तवज्जो अगर हम चंद्रशेखर को दें तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन आपने यहाँ पर एक बात कही है कि मायावती की जगह कहीं ना कहीं अब आजाद लेते हुए नजर आएंगे और चंद्रशेखर आजाद यही कहते हैं कि वह उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ही आगे बढ़ाएं, और दलित वर्ग को संभालने में मायावती का बेहद बड़ा हाथ रहा है और मायावती को लेकर बार बार वह यही कहते हैं कि वह पूरा पूरा समर्थन दें। आपको लगता है कि मायावती पूरी जगह उन्हें लेने देंगी, क्योंकि फिलहाल देखा जाए इस मामले पर वह पूरी तरीके से चुप है? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर साथ में आती हैं तो मुझे लगता है कि आप जितना इंसाफ दलितों के लिए दे सकते हैं या दिलवा सकते हैं या कर सकते हैं, मुझे लगता है आप अकेले ना होकर साथ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मुझे लगता है कि देखिए, आप एनडीए और इंडिया का आपने जिक्र किया, तमाम सहयोगी दल को बुलाया गया, लेकिन देखिए उसमें मायावती को नहीं बुलाया गया, चंद्रशेखर को नहीं बुलाया गया। तो इसमें अगर ये लोग एक होकर अगर कुछ अच्छा करते हैं, मुझे लगता है इसमें बुराई नहीं होगा। तो अगर साथ में आ जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा और आना भी चाहिए। वाकई में देखा जाए तो अब यहाँ पर सवाल यही उठते हैं, क्या यहाँ पर एएसपी और बीएसपी का गठबंधन देखने को मिलेगा? क्योंकि सवाल यहाँ पर यह भी है कि इंडिया में तो यहाँ पर शामिल होते हुए समाजवादी पार्टी भी दिखाई दी है, अखिलेश यादव लगातार यहाँ पर दोनों ही तरफ अपनी बात रख रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के लिए भी और महागठबंधन के लिए भी। तो ऐसे में यहाँ पर मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद की रणनीतियाँ जो अलग अलग तरीके से बनाई जा रही हैं, क्या वह कामयाब होंगी? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद मायावती साथ में नजर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारी इस पूरी ही रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।